हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए लाया हूँ रेडमी नोट 7 प्रो, जिसके साथ हमें मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके दो वेरिएंट है, एक है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और एक है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। चलिए बॉक्स के पीछे देखते हैं। आप देख सकते हैं कलर है नेपट्यून ब्लू। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh। स्क्रीन की बात करें तो 16 सेंटीमीटर फुल HD डिस्प्ले है। प्रोसेसर है 675 और जो हमारे पास कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स की अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, हमें सामने देखने को मिल जाता है फोन। पीछे आप देख सकते हैं एक कागज का वो लगा है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अभी फोन को साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ से खुलेगा। एक हमें पिन मिल जाएगी सिम स्लॉट ट्रे को निकालने के लिए। एक हमें इसका ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाएगा। देखिए कुछ पेपर वर्क, और इन्हें रखते हैं साइड में और देखते हैं। तो चार्जर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप सी है, USB टाइप सी, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग करेगा। और अडेप्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों फोकस नहीं कर पा रहा ये, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये है 5 वोल्ट का अडेप्टर। चलिए बात करते हैं दोस्तों फ़ोन की, इनसे रखते हैं साइड फोन में। चलिए सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फोन। ये देख सकते हैं नेपट्यून ब्लू, कलर तो काफी बेहतरीन है। बात करें तो इसकी बॉडी की, तो हमें मिल जाएगी प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है ये। इसके पीछे गोरिल्ला ग्लास लगा और आगे भी, तो इससे हमें बॉडी का इसका कुछ खतरा नहीं रहेगा। और ये है हमारा कैमरा, एक 48 मेगापिक्सल का है और एक 5 मेगापिक्सल। बॉडी की बात करें तो काफी स्लिम है दोस्तों, देख सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ रिबूट करके। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे सेटअप कर लिया है। आप देखिए, ये है हमारे पास फोन रेडमी नोट 7 प्रो, आप देख सकते हैं। चलिए बात करें अब इसके कैमरे की। तो फ्रेंड्स, इसका जो बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल, वो हमारे पे एक मोड होगा जो हमें यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इन पे जाके ये आप देख सकते हैं। इधर एक है ऑप्शन 48 मेगापिक्सल, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जितनी भी फोटो खींचेगा 48 मेगापिक्सल का खींचेगा। और ये AI मोड है, ये AI मोड भी यहाँ से ऑन हो जाएगा। और बात करें वीडियो की दोस्तों, तो ये 4K वीडियो भी बना सकता है 30 FPS पे। आपको मैं चेंज करना सिखाता हूँ। यहाँ से सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी वगैरह पे देख सकते हैं 4K at 30 FPS। सो फ्रेंड्स, ये है इसके कैमरे का कमाल। इसमें आप स्लोमो वीडियो भी बना सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, और सेटिंग्स में इसका हम देख लेते हैं। इसका CPU की बात करें तो 2.2 GHz का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर हमारे पास मिल जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें तो इसका कैमरा काफ़ी बेहतरीन है। कैमरे के लिए तो फ्रेंड्स, अगर आप कैमरे के शौकीन हैं तो मैं आपको यही फ़ोन लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इतने बजट में 48 मेगापिक्सल कोई भी नहीं देगा आपको। और आप इसकी बॉडी तो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी फ़ोनों से एक काफ़ी हल्का भी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में Poco F1 की थी, उसमें आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी हैवी था वो इससे। तो चलिए, और कुछ हमें देखने को मिलेगा नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।